हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं यादव गराज चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी मैं हूँ भाई तनुष्का हीरो पर, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम आपको प्राइस गाड़ी की बताएंगे, हीरो ग्लैमर एक्स ट्रैक, जो कि भाई 2023 मॉडल है, उसका हम आज फुल डिटेल में रिव्यू करेंगे और हम जानेंगे इसकी प्राइस क्या है, फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ आपको एंड में मिलेंगी। और शोरूम कहाँ पर है ग्वालियर के अंदर, ये भी हम आपको एंड में बता देंगे। तो चलो गाइस है ना, शुरुआत करते हैं। गाइस ये खड़ी है हमारी हीरो की ग्लैमर, वो भी नेवजुला ब्लू कलर, आप सामने देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। इसके बाद में हम इसके ना कुछ चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले सामने आपको भाई यहाँ पर एक लोगो मिल जाएगा जो कि हीरो का, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये लोगो। इसके नीचे आपको LED बल्ब मिल जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। ये भी आपको LED मिल जाएगा, ये भी LED मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको भाई ये क्या नाम है, ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा सा मट गार्ड मिल जाएगा, ठीक है। दो शॉकर मिल जाएंगे आपको आगे, ठीक है। अब इसकी ना टायर की बात की जाए, तो जैसे हम टायर के साइज़ पे आएंगे ना, तो टायर आपको 18 इंचेस का मिल जाएगा इस तरीके से, पूरा का पूरा जो कुछ C8 कंपनी का टायर डला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ये लिखा हुआ है। आपको 18 इंचेस का टायर मिल जाएगा, वो भी आपको कॉम्बी ब्रेक्स के साथ टायर मिलेगा। अगर आप एक ब्रेक को दबाओगे तो पीछे वाला भी ब्रेक लगेगा, कॉम्बी ब्रेक के साथ में आपको इसको है ना टायर मिल जाता है 18 इंचेस का, वो भी C8 का। टायर के ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ठीक है, इस साइड भी, और एक इंडिकेटर मिल जाएगा आपको इस साइड भी। और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात की जाए, तो आपको यहाँ पे है ना बैजिंग मिल जाएगी ग्लैमर की, और नीचे लिखा रहेगा एक्स ट्रैक। जस्ट इसके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा भाई FI। सामने यहाँ पर आओगे आप साइड में, तो यहाँ पे लिखा होगा भाई i3S स्मार्ट। डबल शॉकर पीछे, सस्पेंशन दोनों टाइप में दिए हुए हैं, पूरे रेड कलर के शॉकर दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसके पीछे ही आओगे ना, आपको ऊपर है ना हीरो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। जस्ट सीट के बगल से भी आपको यहाँ पे हीरो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे हम मतलब बैक साइड की बात की जाए, तो आपको दोनों साइड इंडिकेटर मिल जाएंगे, उस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। यहाँ पर आपको नेम प्लेट मिल जाएगी लगाने के लिए सामने, और यहाँ पर भी एक हीरो की बैजिंग दी हुई है, देखो, ठीक है। इसके नीचे आपको ये मडगार्ड मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीछे से कवर अप कर रहा है पूरे टायर को। 18 इंचेस के टायर मिल जाएंगे C8 के दोनों के दोनों, ठीक है। सेम इस साइड मिल जाएगी आपको, साइड प्रोफाइल दोनों बिल्कुल बराबर है और सेम है, सेम कंडीशन में साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है दोनों की दोनों। इसमें आपको 124.7 सीसी का इंजन मिल जाएगा, ये रखा है हमारा भाई 124.7 सीसी का इंजन, ठीक है। इसमें आपको है ना मैक्स पावर जो जनरेट करेगा, वो करेगा 10.72 BHP की, जो कि 7500 RPM जाएगा आपका, ठीक है। मैक्स टॉर्क जो जनरेट करेगा, वो करेगा 10.6 Nm, जो कि आपकी 6000 RPM जाएगी। BS6 मॉडल, वो भी i3S स्मार्ट के साथ आएगा, ठीक है। टायर आपको इस पर ट्यूबलेस मिल जाएंगे, ठीक, वो भी ड्रम ब्रेक के साथ में दोनों के दोनों। एक डिस्क ब्रेक वाला भी इसमें ना मॉडल आता है, जो हम आपको एंड में वीडियो में दिखा देंगे अगर अवेलेबल होगा शोरूम पे। तो चलो गाइस, अब है ना इस गाड़ी के अंदर जो आपको पूरा वेट मिलेगा, इस गाड़ी के अंदर जो पूरा वेट मिलेगा वो आपको मिलेगा 123 kg का, यानी कि 123 किलो की ये पूरी की पूरी गाड़ी है, एक क्विंटल 23 किलो की, ठीक है। इसके बाद में आपको फ्यूल टैंक भाई 10 लीटर का मिल जाएगा, फ्यूल टैंक, फ्यूल में जो कैपेसिटी है वो आपको 10 लीटर की मिल जाएगी। और ये गाड़ी 10 लीटर टैंक के साथ में ये गाड़ी आपको पर लीटर 50 किलोमीटर का एवरेज देगी, ठीक है। और इसके बाद में भाई 95 टॉप स्पीड है इसकी, अगर आप इसको भगाओगे, 124.7 सीसी का इंजन है, अगर आप इसको है ना स्पीड नापोगे तो आपको ये ना टॉप स्पीड 95 की मिल जाएगी स्पीडोमीटर पर। गाइज आपको यहाँ पर डिजिटल मीटर मिल जाएगा स्पीडोमीटर पर दोनों के दोनों। इसकी चाबी अभी शोरूम के अंदर है, बिकॉज इसमें अभी बैटरी फिट नहीं है, बैटरी लगेगी तो हम आप इसको है ना चालू करके दिखाएंगे। गाइज जो इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है ना, जिससे है ना ये गाड़ी स्टार्ट होती है, वो आपको मिलेगी MF12 वोल्टेज की, 4AH ETZ5 वाली बैटरी मिलेगी आपको, लिथियम वाली, जो कि बहुत ही अच्छी बैटरीज है। गाइज हेलोजन बल्ब के साथ में भाई ये तो बहुत ही प्यारी गाड़ी है, ठीक है। ग्लैमर एक्स टैक आप चारों साइड से देखो, बहुत ही अमेजिंग गाड़ी लग रही है। पीछे लॉक दिया हुआ है भाई डिग्गी खोलने के लिए, ये देखो सामने, ये आपको लॉक दिया हुआ पूरा का पूरा डिग्गी खोलने के लिए, इस तरीके से ये पूरी गाड़ी, ठीक है। इसके बाद में अब जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ भाई, तनुष्का
हीरो, ठीक है भाई, तनुष का हीरो पे खड़ा हुआ हूँ। ये पूरा का पूरा इनका शोरूम है। ये इस तरीके से इनका जो शोरूम पड़ता है वो पड़ता है आपको भाई मैस्कॉट हॉस्पिटल, तिलक नगर, सिंधी कॉलोनी, कंपू रोड। तो ये इनका ऑफिस है, मतलब शोरूम है पूरा हीरो का, हीरो तनुष्का का। यहाँ पर आपको इस गाड़ी की जो प्राइस है ग्लैमर की, वो अब मैं है ना कन्फर्म कर देता हूँ। इसकी जो प्राइस है ना एक शोरूम पड़ेगी आपको 86,988 रुपए की, आरटीओ पड़ेगा आपको 8,460 रुपए का, इंश्योरेंस पड़ेगा आपको 6,235 रुपए का, 3 से 4 हजार अदर चार्जेस मान लो जो भी कंपनी की तरफ से रहते हैं वो। ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी ऑन रोड 105,682 रुपए की। एक बार और प्राइस बताऊंगा, 105,682 रुपए की आपको ये ऑन रोड घर ले जा सकते हैं भाई हीरो की एक्स टैक। तो गाइज ये आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।